जो सवाल के जवाब देने चाहिए और नहीं देने चाहिए. आजकल जो इंस्टाग्राम पे हो रहा है तो पीपल आर ब्लेमिंग इंस्टाग्राम टू बी टॉक्सिक. लाइक इंस्टाग्राम को लोग ब्लेम करें कि इंस्टाग्राम टॉक्सिक हो गया है और इंस्टाग्राम गलत है. आई थिंक इंस्टाग्राम इज जस्ट एन ऐप और एक ऐप कभी भी गलत नहीं हो सकती. वो वही है जो वो है. इसका मतलब ये कि हम लोग गलत हो गए हैं या हम लोग कुछ ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ कर रहे हैं या हम लोग कुछ चीज़ों को डिफरेंटली ले रहे हैं जिसकी वजह से हमें इंस्टाग्राम बुरा लग रहा है. तो इंस्टाग्राम वही है जैसे पहले ही था और आज भी वैसा ही है. और बट ये कि हम लोगों के नज़रिए बदल गए चीज़ों को पिक करने के. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम लोगों के हमारा जो टेम्परमेंट है ना बर्दाश्त का, जो हमारी जो एक जैसे कहते हैं क्या वर्ड होता है उर्दू का, कुवत बर्दाश्त जिसे कहते हैं, वो हमारी बहुत कम हो गई है रिगार्डिंग दिस थिंग्स के किसी ने हमें ऐसा बोल दिया, किसी ने हमें ऐसा बोल दिया, ये क्यों बोल दिया, ये क्यों लिख दिया. और उसी की वजह से ये सारी चीज़ें इंस्टाग्राम पे यू नो बहुत ज़्यादा हो गई हैं कि इतना ज़्यादा नेगेटिविटी और ये सारा कुछ जो फैल गया है आजकल जो आप सब लोग देख रहे हैं. ठीक है, यू गाइज कैन सेंड मी योर क्वेश्चंस हियर आल्सो ऑन माय लाइव वीडियो, आई कैन आंसर यू. ठीक है, यहाँ पर भी मेरे पास एक ऑप्शन है जिसमें आप लोग मुझसे सवाल पूछ सकते हैं. देयर इज़ एन ऑप्शन जो आपके ऑब्वियसली स्क्रीन पे आ रहा होगा, आई एम श्योर. ओके, सो लेट मी कम लिटिल मोर क्लोज टू दिस. और दूसरी बात ये है कि सबसे पहली चीज़ कि हम लोग अगर किसी के बारे में कुछ बोलते हैं, जैसे जब मैं मीडिया में आई थी तो आई वॉज सो स्केयर्ड विद थिंग्स कि मैं किस तरीके से हैंडल करूँगी, क्या होगा, अम्मा अब्बा व्हाट शुड आई डू, क्या करूँ क्या ना करूँ. और मुझे मेरे अब्बा ने सिखा दिया था उस टाइम पे कि जब तुम इस फील्ड में आ रही हो ना तो रिमेंबर कि इस चीज़ के लिए तैयार रहो कि जितने लोग तुम्हें प्यार करते हैं ना उससे थोड़े लोग तुम्हें नापसंद भी करेंगे. यानी कि जो लोग मुझे पसंद करते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे होंगे जो मुझे नापसंद भी करते होंगे, तो उसके लिए तैयार रहो. और मेरे माइंड में ये समहाउ ये चीज़ हमेशा से रही है कि आप लोग जब हमें कोई भी अप्रिसिएशन मिलती है ऑन इंस्टाग्राम, लोग हमें बहुत पसंद करते हैं और कोई भी हम ड्रामा या कोई अच्छी बात करते हैं या कोई मैसेज देते हैं तो देयर आर सो मेनी पीपल यू नो जो हमें अप्रिशिएट करते हैं, तो हम उसको अपने पास शेयर कर रहे होते हैं और हम बहुत खुश हो रहे होते हैं कि ओ माय गॉड लोग मेरी बात तो बड़ी नोन हो गई है, लोगों ने देख ली है और बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं. पर जब हमें कोई नेगेटिव बात करता है तो हम लोगों को इतना बुरा क्यों लग जाता है, हम इतना सेंसिटिव क्यों हो गए हैं कि हमें इतना जल्दी से होता है कि ओ माय गॉड ये हमारे बारे में क्यों बोल दिया और ये हमें क्यों किसी ने ऐसा कह दिया, हमें मोटा क्यों बोल दिया, हमें पतला क्यों बोल दिया, या हमें काला, या हमें इस तरह. अगर आपको 100 कमेंट्स आते हैं उसमें से एक दो कमेंट्स आपको बुरे भी आएंगे तो इट्स फाइन. इस यू नो ये लोगों का एक तरीका है तो उनको उनके तरीके से चलने दें और हमें हम अपने तरीके से चलते हैं. इन दी एंड अगर हम लोग पब्लिक आए हैं तो हमें ये चीज़ें बर्दाश्त करनी हैं. उसका रीज़न ये है, हम ही नहीं इस दुनिया में जितने भी लोग हैं जो पॉलिटिशियंस हैं, पूरी दुनिया के सेलिब्रिटीज़, मॉडल, एक्टर, एक्ट्रेसेस, पॉलिटिशियन, जो भी फेमस लोग होते हैं वो ये सब फेस करते हैं हेट. उन लोगों के साथ तो बहुत बुरा भी होता है. हैव यू ऑल सीन द वीडियोज़ के जो किसी ने किसी को जूता उठा के मार दिया, पैनकेक्स मार दिए और पता नहीं क्रीम्स मुँह पर मार दी, बहुत कुछ होता है लोगों के साथ अगर हम लोग देखें तो. इसलिए आई थिंक हमें खामोशी इज़ द बेस्ट थिंग जो हमें करनी चाहिए हमेशा. ओके, सो आई रिसीव सो मैनी क्वेश्चंस ऑन माय इंस्टाग्राम कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, दे आर सो मच हेट दीज डेज ऑन इंस्टाग्राम ब्ला ब्ला ब्ला. एंड आई एम लाइक ओके ठीक है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ चल रहा है और उसे डील करने का यही तरीका है कि आप अपनी चीज़ों पे फोकस करें, अपने काम पे, अपनी चीज़ों पे. आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है कि घर में हम सब बैठे हुए हैं, वी हैव नथिंग टू डू, दैट्स सो ट्रू, बिकॉज यू नो कुछ है नहीं करने को सिवाय घर की रूटीन के, घर के कामों के, वी हैव नथिंग एल्स टू डू. तो इस वजह से मुझे लगता है कि हम लोगों को फारिग बैठे बहुत सारी चीज़ें शैतान का दिमाग हो जाती है तो वो फिर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा सोचते हैं या करते हैं, तो वही शायद हम भी कर रहे हैं. बट एनीवेज, सो
देर बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आप किस तरीके से फेस करती हैं इस नेगेटिविटी को जो आप मैं इस तरीके से फेस करती हूँ. आप लोगों ने नोटिस किया होगा देर सो मेनी पीपल जो मुझे बहुत अजीब अजीब से कमेंट करते हैं. देर सो मेनी पीपल हु कमेंट मी ओ माय गॉड आपका वेट आपने वेट पुट ऑन कर लिया, आपके बाल ऐसे लग रहे हैं, आपकी स्किन ऐसी हो गई है, यू लुक ओल्ड, यू लुक यंग, यू लुक क्यूट, यू लुक बदतमीज, पता नहीं क्या क्या हम लोग सुन रहे होते हैं ऑन आर स्टेटस जो भी हम डालते हैं इंस्टाग्राम पर, लोग उसके बारे में लिखते हैं. मेरा उस पर रिएक्शन ये होता है कि मैं कभी भी उस चीज़ को बढ़ावा नहीं देती. जैसे लोग फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मुझे गाली देता है तो मैं उसको इग्नोर करूँगी, मैं उससे लड़ाई करने नहीं खड़ी हो जाऊँगी. फिर उसमें और मुझ में कोई फ़र्क ही नहीं है, मैं नहीं खड़ी हो जाऊँगी लड़ाइयाँ करने के लिए कि तुमने मुझे ऐसा क्यों बोला और तुम हो और तुम्हारे घर वाले और तुम्हारे एंड. मैं ये कभी भी नहीं करूँगी. इनफैक्ट मैं उसको मुझे तरस आएगा उसके ऊपर कि यार देखो ये किस तरीके की बात कर रहे हैं. आई मीन आई डोंट नो वो बंदा किस चीज़ से गुजर रहा है जो नेगेटिविटी कर रहा है. आई एम नॉट हेयर टू टॉक अबाउट जैसे सब लोग बोल रहे हैं यू टॉक अबाउट हानिया एंड आसिम. नो आई एम नॉट हेयर टू टॉक अबाउट हानिया एंड आसिम क्योंकि उनका एक डिफरेंट एक वो एक एंगल चल रहा है उस पर मैं नहीं बोलना चाहती बिकॉज वो उनका पर्सनल है. I know Hania really well. She's a such a nice girl and I love her. She's a sweetheart. I know Asim. He's a brilliant, brilliant human being and a great singer as well. So, in dono ka jo bhi hai, wo in dono ke beech mein hai. To usme I am not here to say something because I don't think so ki main koi judge hoon jo main bolungi ke wo aisa hai, wo aisa. And I'm not, jaise mujhe zyadatar ye bhi sawal logo ne pucha ki aap kiske side hain. मैं किसी के साइड नहीं हूँ, मैं अपने साइड हूँ और मुझे भी इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें पता हैं. आप लोग हम लोगों को सिर्फ एक तस्वीर में देखते हैं एंड आपको वो कहते हैं ना कि वो तस्वीर के पीछे पिक्चर के पीछे जो स्टोरी है वो आप लोगों को नहीं पता होती है. तो देर आर सो मैनी थिंग्स जो पीछे चल रही होती हैं और लोग बात कर रहे होते हैं और हम लोग उससे गुजर रहे होते हैं और हम लोग सिर्फ आप लोगों के सामने एक पिक्चर होती है और आप उस पिक्चर को देख के सिर्फ अजम्पशन कर लेते हैं या अज्यूम कर लेते हैं कि ओ ओके अरीबा जो है वो शायद पूरा दिन तैयार होकर गार्डन में पिक्चर्स खिंचवाती रहती है. मे बी यू थिंक लाइक दिस वे पर ऐसा कुछ नहीं है. मैं हमेशा आपको अपने घर में पजामाज में मिलूँगी और मुझे कोई शौक नहीं है घर में तैयार होकर बैठने का. इवन मेरी अम्मा मुझे समटाइम्स कहती हैं कि अरीबा उठो चेंज कर लो थोड़ा सा, यू नो कुछ तैयार हो जाओ. तैयार हो जाए मीन्स लाइक चेंज कर लो थोड़ा सा, फ्रेश हो जाओ. लेकिन ये हमारी रूटीन होती है क्योंकि हम लोग इतना पूरा महीनों महीनों जो है हमारे ये ड्रामा शूट चल रहे होते हैं, फैशन शूट हो रहे होते हैं, तो वी हैव नो टाइम कि हम तैयारियाँ करें और चीज़ें करें. एनीवेज ओके सो मुझे जन्नत ने पूछा था, जन्नत मिर्ज़ा, शी सच अ नाइस गर्ल ऑन टिकटॉक. पहले मैं जन्नत मिर्ज़ा का आंसर करती हूँ सवाल का, उसके बाद फिर बताऊँगी कि टिकटॉक से रिलेटेड क्या बात है. जो मुझे लोगों ने टिकटॉक से रिलेटेड भी बात पूछी है बाय द वे सीक्रेट. तो जन्नत मिर्ज़ा के साथ ये है कि आई लाइक हर, शी इज़ अ वेरी यू नो यंग गर्ल, यंग टैलेंट इन आर इंडस्ट्री एंड आई ऑलवेज बी इन अ फेवर टू सपोर्ट पीपल. मैं कभी भी ये नहीं बोलती कि वो टिकटॉकर्स हैं और मैं एक एक्टर्स हूँ और वो एक इन्फ्लुएंसर है. और मैं इस तरह से कभी भी किसी के लिए नहीं सोचती बिकॉज आई थिंक हम सब लोग अपनी जगह पर ऑन अ सेम स्टेज काम करते हैं. सो अगर मुझे कोई अच्छा लगता है तो मुझे अच्छा लगता है, मैं उसको फॉलो भी करती हूँ, मैं उसको कॉमेंट भी करती हूँ. अब वो कोई भी हो सकता है, इट्स नॉट अबाउट ओनली स्पेसिफिकली जन्नत मिर्ज़ा. आई नो देयर आर सो मेनी पीपल ऑन माई इंस्टाग्राम जिनको मैं फॉलो करती हूँ और जिनको मैं कॉमेंट्स करती हूँ. आई थिंक देयर इज़ नो हार्म टू डू दैट एंड ये मेरा साइड है क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ. ठीक है, देर आर सो मेनी पीपल इज नॉट फॉलोइंग मी बट दैट डज नॉट मीन कि मैं कॉम्पिटिशन में आ जाऊँगी कि ओ माई गॉड दे आर नॉट फॉलोइंग मी आई विल अनफॉलो देम एज वेल बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग मी. इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स लाइक इक्वल थिंग कि अगर आप किसी को पसंद करते हो तो आप करते हो, अगर किसी कोई आपको नहीं पसंद करता नहीं करता, डजेंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो ये चीज़ बहुत नॉर्मल है, बहुत कॉमन है, इट्स ह्यूमन नेचर. So I like her and she asked me a question. उसने मुझसे सवाल पूछा था कि अरीबा आप ये नेगेटिविटी को कैसे डील करती हैं. मैं नेगेटिविटी को ऐसे डील करती हूँ कि मैं जवाब ही नहीं देती लोगों को. मतलब अगर कोई भी मुझसे कोई भी बात करता है, कोई कितनी बड़ी से बड़ी बात भी होती है, आप मैं कभी उस बारे में बात ही नहीं करती हूँ.
क्योंकि मुझे लगता है उस बारे में बात करना बहुत बेकार है, बहुत फजूल है, क्योंकि वो एक ट्रेंड है और ट्रेंड इज़ लाइक जो 2 दिन होता है, 1 दिन होता है, 4 दिन होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में बात करने का दिल चाहता है, जैसे कि जो पैलेस्टाइन में हो रहा है और हो रहा था, उसके लिए बात करने का बहुत दिल चाहता है। और ये भी दिल चाहता है कि यू नो हम बस क्या करें, आई मीन एज अ मीडिया पर्सन, एज अ पब्लिक फिगर, ओनली वी कैन डू, वी हैव पावर ऑफ यू गाइस, क्योंकि आप फैंस हमारी पावर होते हो, हमारी स्ट्रेंथ होते हो। तो हम लोग बस यही कर सकते हैं कि हम लोग आप लोगों के थ्रू ही कर सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं लोगों को, क्योंकि हम लोग मैसेज हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगा सकते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ कर सकते हैं। बट जो मैंने देखा, इट्स रियली रियली हार्ट रेंचिंग फॉर मी, क्योंकि वो बहुत बुरा था। खैर एनीवेज आई डोंट टॉक अबाउट इट। वो बहुत बहुत दुख की बात है और बहुत ही अजीब सी चीज़ थी। उसके बारे में बात करते हुए भी ना मुझे तो गूज़बम्प्स हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। एनीवेज, तो एग्जैक्टली खामोशी इज़ द बेस्ट वे। आप खामोश रहें, मैं खामोश रहती हूँ जब कोई मुझे कुछ बोलता है। लोग कहते हैं कि बोलना चाहिए, देर आर सम टाइम्स आप बात करते हो, एंड मुझे लगता है बात करना से आप अगले बंदे को शेयर देते हो, क्योंकि देर आर सो मेनी पीपल जो बुरे नहीं होते, पर सिर्फ एक स्टंट के खातिर कि हमारा नाम आएगा मीडिया पे और लोग हमारी बात करेंगे, और हमें हम अगर उनको ऐसा मैसेज रिप्लाई वो करेंगे कॉमेंट, तो हमें रिप्लाई आएगा। वो इस मकसद से भी करते हैं। सो ट्राई नॉट टू गिव देम इम्पोर्टेंस एंड नॉट टू गिव देम दिस मच अटेंशन, ठीक है? और आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे आई कैन डू। ये एक राइट वे होता है मेरे, मैं जिस तरीके से इसको हैंडल करती हूँ, आई नेवर आंसर देम, क्योंकि खामोशी में बहुत ताकत है। और एज अ मुस्लिम मेरा ये बहुत बिलीव है कि अल्लाह मियाँ, अल्लाह ताला, जब आप अल्लाह ताला पे छोड़ देते हो, बिकॉज मेरा बहुत बिलीव है मैं हर चीज़ अल्लाह ताला पे छोड़ देती हूँ, चाहे कोई कुछ भी करे। सो आप अगर अल्लाह ताला पे छोड़ देते हो ना, तो अल्लाह ताला जो उसकी उसके साथ, फिर जब अल्लाह ताला की जो लाठी है वो बेज़बान है ना, सो ट्रू, तो वो उससे नहीं बच सकता इंसान। तो आई थिंक अल्लाह ताला पे छोड़ देना चाहिए, दिस इज़ द बेस्ट वे, और इग्नोर करना चाहिए। और आई नो बहुत बुरा लगता है कभी कभार मुझे भी, मैं कोई बुरा कमेंट पढ़ती हूँ तो मेरे भी दिल में वो यू नो दिमाग में फंस जाता है कि यार ऐसा क्यों बोला, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ था। बट इन द एंड उस एक कमेंट से आप अपने 99 जो इतने प्यारे प्यारे फॉलोअर्स, इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, आप उनको नहीं डिसहार्ट कर सकते। तो फिर मैं हमेशा अपना पॉजिटिव साइड देख लेती हूँ चीज़ का, और जो बुरा साइड होता है उसको मैं बोलती हूँ छठ परे, मैंने बात ही नहीं करनी है तैरना। तो ये है। और देर आर सो मैनी क्वेश्चन आई रिसीव्ड अबाउट स्टूडेंट्स, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कहा कि हमें बहुत एंग्जाइटी है और हमें बहुत डिप्रेशन है। भाई आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोगों को किस बात का डिप्रेशन है, किस बात की एंग्जाइटी है? बस सिर्फ फेल होना है, पास होना है, पासिंग नंबर का पेपर करें, बात ख़त्म हो गई। क्या डिप्रेशन है आपको और क्या एंग्जाइटी है आप लोगों को? हम लोगों को, आप लोग थोड़ा सा अपना रूटीन बना लें, टाइम पे सोना शुरू कर दें, टाइम पर उठना शुरू कर दें, थोड़ा कम यूज़ करें इन मोबाइल को अपने, सिर्फ इंस्टा ही नहीं, मोबाइल में और भी बहुत सारे ऐप्स होते हैं लोगों के पास, ठीक है? तो थोड़ा सा कम यूज़ करें मोबाइल, आप लोगों के लिए अच्छा है। And this hand is giving me a tough time. I think it's fine now. Let me check. I'm back. Hands free को सही करके मैं वापस आ गई हूँ. Okay. तो ये सारी चीज़ें बहुत important हैं जो लोग बात कर रहे हैं depression को लेके। हम लोगों ने depression को बहुत मजाक बना लिया है। हमें किसी कोई चीज़ होती है, कोई मेरे साथ भी होता है, मैं भी बहुत sensitive हूँ। मैं भी अपने दोस्तों को कोई कुछ मुझे कह देता है, कोई कमेंट करता है, तो मैं भी उनको बोलती हूँ यू नो मुझे बहुत डिप्रेशन हो गया है। सो लाइक एंड दे आर लाइक एवरी बार, डिप्रेशन इतना आसान नहीं होता है जितना तुम लोग उसको लेने लग गए हो, यू नो एक वर्ड हम लोगों ने सीख लिया है। तो ऐसा नहीं है, ट्राई टू स्पेंड सम टाइम विद योर फैमिली, ठीक है? और कोशिश किया करें कि अपनी अम्मा के साथ बैठे, अब्बा के साथ बैठे। यू गाइस आर सो लकी टू हैव योर पेरेंट्स विद यू, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ने उनको हमेशा सलामत और सेहत दे। एंड नेगेटिविटी हमेशा आती है और हमने बहुत फेस किया है। देर आर सो मेनी पीपल हु आस्क्ड मी कि अरीबा व्हेन योर फादर पास्ड अवे, जब मेरे फादर की डेथ हुई थी उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इस तरह की बात की थी कि ओह माय गॉड। तो मेरे साथ भी ये हुआ था, आई रिमेम्बर दैट टाइम।
जब मेरे पापा की डेथ हुई थी आज से 2-3 साल पहले, 4 साल पहले, एंड आई मुझे याद है कि आपके बहुत सारे अपने दोस्त, आपके बहुत सारे रिश्तेदार, आपके बहुत सारे लोग जिन जो मतलब वो बहुत आसानी से कह देते हैं आपकी पिक्चर या आपके काम की पिक्चर को देख कर के, देखो इन्हें तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, बट उन्हें क्या पता कि हम किस चीज़ से गुजर रहे हैं और हम लोग क्या फेस कर रहे हैं, क्योंकि इन द एंड काम की कमिटमेंट्स होती हैं, आप इतना नहीं मना कर सकते हो, आप मना करते हो एक हद तक जितना आप कर सकते हो, बट आप इतना नहीं मना कर सकते हो, तो आपको इन द एंड काम करना है, काम इसलिए करना है क्योंकि हमें अपने बिल्स पे करने हैं, ठीक है, देयर इज नो वन हु कैन पे योर बिल्स, ट्रस्ट मी, लोगों की बातों पे कभी मत जाएं, आप खुद हैं जो अपने घर के और अपने बिल्स पे करते हैं, तो लोगों की बात को बिल्कुल छोड़ दें। मैंने भी यही किया था क्योंकि मुझे ये था कि मेरा लैंडलॉर्ड या मेरे लोग या मेरे आसपास के लोग तो नहीं मुझे कहेंगे ना कि अच्छा हाँ अरीबा के फादर की डेथ हो गई तो ओके अरीबा इस महीने की फ़ीस मत देना या इस महीने का बिल मत देना इलेक्ट्रिसिटी का, या फिर लैंडलॉर्ड कहेगा रेंट नहीं देना, समथिंग लाइक दैट, यू नो, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, सब आपके साथ एक दिन दो दिन की सिंपैथी करेंगे, बट इन द एंड यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, यू हैव टू लिव यू नो लाइफ जिस तरीके से सब रहते हैं, तो ये करना है तो लोग करते हैं। मुझे वो बात बहुत लगी थी क्योंकि मुझे आई वॉज रियली रियली क्लोज टू माई अब्बा, रियली क्लोज टू माई अब्बा, एंड ही इज़ द ओनली पर्सन इन माई लाइफ जिनसे मैं बहुत क्लोज थी, और ऑब्वियसली जब ये बात हुई तो मुझे बहुत बुरा लगा था, मतलब मुझे बहुत मेरे दिल को लगी थी ये बात कि लोगों ने इस तरीके से बोला, और वो आपके अपने ही होते हैं, वो आपके अपने रिश्तेदार या आपके अपने कोई दोस्त यार इस तरह के लोग ही होते हैं, तो आपको बहुत चुभता है फिर कि ये लोग तो हमें जानते हैं, तो लोगों की बातों, फिर उसके बाद हम लाइक ओके फाइन, लोगों की बातों से बेहतर है आप अपना कुछ करें, आप अपने आप में रहें, जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन पॉजिटिविटी एज मच एज यू कैन, यू नो, कलेक्ट फ्रॉम अदर्स, एंड जितनी आप दे सकते हैं वो बेहतर है, छोड़ दें जो लोग बात कर रहे हैं, छोड़ दें जो भी लोग जो भी कह रहे हैं एक्स वाई जी किसी के बारे में भी, डजंट मैटर हु केयर्स, ठीक है, ओके, सो हमने बहुत सारी सैड बातें कर ली, नाउ कम टू द हैप्पी हैप्पी डॉग, थोड़े से कॉमेंट्स पढ़ लेती हूँ एंड सवालों को देखने के लिए मुझे आगे आना पड़ेगा, 98 इतने सारे सवाल के कैसे जवाब दूंगी मैं, ओके, आपका न्यू ड्रामा वायशा, आप लोग इतना डिफिकल्ट तरीके से अपने नाम लिख देते हैं ना, पढ़ना मुश्किल होता है, मेरा न्यू ड्रामा जो है वो अभी तो नहीं आने वाला है, बट जब आएगा तो आप सब लोगों को पता चलेगा ऑफकोर्स, ठीक है, अच्छा आप इतनी फिट कैसे रहती हैं, प्लीज़ डाइट वो बता दें, मेरी कोई डाइट वाइट नहीं है, ऑनेस्टली मेरी कोई डाइट नहीं है, मैं सब खाती हूँ, और बस ये होता है क्वांटिटी कम कर देती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल मैं थोड़ा सा डाइटिंग कर रही हूँ, सीन माय जॉ लाइन इज गॉन डबल चिन, तो वो इसका रीज़न ये है कि मैंने अपना थोड़ा सा जो डाइट प्लान में से मैंने ये किया कि जैसे मैंने अपना खाने की क्वांटिटी कम कर दिया, क्वांटिटी थोड़ी कम कर दिया, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है, और ये एक बेस्ट चीज़ है जो आप करें, अच्छा, और अपनी स्किन का ख्याल रखना सीखें आप सब लोग, क्यों जितना आप टाइम अपने ऊपर लगाएंगे आप उतने यू नो खुश होंगे कि हम यू नो अपने ऊपर फोकस करें अच्छा लगने की, अपने आप को फिट रखें, वर्कआउट करें, रन पे जाएं, घर में करें वर्कआउट, आई मीन थोड़ा सा आपको यू नो होना पड़ेगा, ज़रूरी है कि आप फोकस हों कि आपको करना है, तभी जाके आप कर सकते हैं, अदरवाइज ये घर में बैठ के नहीं कुछ होगा, ठीक है, अच्छा कुछ और पढ़ लेते हैं, उफ मैं अपना पासकोड डाले जा रही हूँ अम्मा के फ़ोन में बार बार, एंड हाँ थैंक यू सो मच फॉर ऑल माय फैन पेजेस, आई लव यू गाइस, इतने सारे मेरे फैन पेजेस हो गए इंस्टाग्राम पे, आई कांट इवन इमेजिन इतने सारे, मैं आई थिंक अभी कल तो नहीं, आई थिंक परसों डे बिफोर मैं अपने इंस्टाग्राम पे जाके अपने पेजेस देखती हूँ, यू नो आई यूजली फॉलो लाइक अगर मेरे 100 में से आई थिंक 98% तो मैं फॉलो करती हूँ, बिकॉज यू नो इतना मुझे मज़ा आता है, दे आर मेकिंग रियली नाइस वीडियोज एंड स्टोरीज एंड पिक्चर्स एंड एडिटिंग, इतने मज़े मज़े की करते हैं, बड़ा मज़ा आता है मुझे, ओके,
लुक देयर सो मेनी पीपल आस्किंग मी द सेम थिंग के स्टूडेंट्स हैं, यंग बच्चे हैं और उनको एंग्जाइटीज हो रही हैं और उनको डिप्रेशन हो रहे हैं, ठीक है. हाँ, एक मुझसे किसी ने ये भी एक सवाल था कि अगर भाई ब्रेकअप सबकी लाइफ में होता है, अच्छा हुआ कोई इंसान आपकी लाइफ में, आपको शादी के बाद आप उसको छोड़ते हो और एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, इस बेटर कि आपने उसको पहले ही छोड़ दिया या उसने आपको छोड़ दिया. और जो होता है अच्छे के लिए होता है. सो जितने भी लोग इस तरह की बात मुझसे कर रहे थे ना कि ब्रेकअप एंड ना करें, आई मीन मैं मानती हूँ कि जब कोई अटैचमेंट होती है तो कोई इंसान जब दूर जाता है तो थोड़ी तकलीफ होती है, बट आई थिंक आप ट्राई करें कि अगर आप खुद सही है ना, आपने अपना 100% रिलेशनशिप में दिया था, फिर वो बंदा आपको चीट करके चला गया, दैट मीन्स इसमें अल्लाह की कोई बेहतरी है, ट्रस्ट में इसमें अल्लाह की कोई बेहतरी है, उसको जाने दें, और जिसको जाने हैं उसको जाने. सो जस्ट लेट देम गो, लाइक उनको बोले अच्छा है तुम चले जाओ. देर इज़ अ टाइम इन योर लाइफ जो होगा टफ, कुछ हफ्ते, नॉट महीने, हफ्ते, बाय देन थिंग्स विल चेंज और एक सुबह बहुत अच्छी होगी और फिर अच्छा महीने आ जाएंगे, बारिश हो जाएंगी एंड देन सब सही हो जाएगा इंशाल्लाह. तो और अपने आप को बिजी करना सीखें. हमारे यहाँ लोग रीडिंग नहीं करते हैं, रीडिंग की आदत डालें, किताब पढ़ें, ज़रूरी नहीं है इंग्लिश किताब पढ़ें यार, मैं भी बहुत सारी उर्दू किताबें पढ़ती हूँ. इवन मैं कभी कभार मैं किताबें नहीं भी पढ़ती तो आई हैव बुक्स ऑन माई साइड टेबल जिसमें यू नो देयर आर कोट्स, जो छोटे छोटे से कोट्स होते हैं लाइफ को लेके एंड चीज़ों को लेके, तो मैं उस बारे में बात कर ली, मतलब मैं बोलती हूँ ठीक है भाई, मतलब उसमें कर लो, तो मैं वो डिस्कस कर, मतलब वो पढ़ लेती हूँ. ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी बैठ के बुक्स पढ़ें. समटाइम्स यू नो द लिटिल लाइंस चेंज योर लाइफ, चेंज योर मूड. सो मैं ये करती हूँ और ये बहुत आराम से अवेलेबल है मार्केट में, ये जो कोट्स की बुक होती हैं उसके ऊपर कोट्स होते हैं, अंदर कोट्स होते हैं बहुत सारे और बहुत अच्छे अच्छे कोर्स होते हैं लाइफ रिलेटेड, मोटिवेशनल और लव एंड हैप्पी लाइफ एंड वर्ल्ड ब्यूटीफुल समथिंग लाइक दैट. तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो एक लाइन समटाइम्स आपका मूड चेंज कर देती है. ओके, व्हाट एल्स वी कैन टॉक नाउ. ओके, अब हम लोग थोड़ा सा रिप्लाई करते हैं. अरीबा दानिश फैंटेसी, प्लीज से माय नेम. हाय, हेलो, कैसे योर नेम. ओके, योर माइंड गुड. ओके, थैंक यू, माय माइंड इज़ गुड. आपका माइंड भी बहुत अच्छा, आप लोग कोशिश करें आपका माइंड भी बहुत अच्छा हो जाएगा, डोंट वरी एंड ट्राई टू बी पॉजिटिव एंड अच्छे अच्छे से पिक्चर्स लें, अपना ख्याल रखें और अच्छा खाना खाएं. अच्छा खाना इज़ नॉट अबाउट, मैं कह रही हूँ कि रेस्टोरेंट में जाके लाखों का खाना खाएं, अच्छा खाना मीन्स कि घर में बना हुआ कोई मज़ेदार सब्जी या समथिंग, यू नो लाइक वो खाएं, बिकॉज़ यू गाइज़ आर लकी टू यू नो यू कैन ईट एनीथिंग. हमारी तरह नहीं, हम तो राइटिंग पे ही हैं. एंड अरीबा प्रेशियस डायमंड, थैंक यू. मेरे फैन पेजेस ना, मेरे फैंस ही आई थिंक इनफ है मेरे लिए, मुझे तो ज़रूरत नहीं है और किसी के. से माई नेम कायनात, कायनात हाय. ओके, और अगर कोई चीज़ आप देखते भी हैं इंस्टाग्राम पे कि कोई चीज़ इस तरीके की हो रही है तो उसको आगे लगाएं नहीं, मतलब उस चीज़ को आगे लगाएंगे ना तो और उतना ज़्यादा दूसरे इंसान को जो है ना वो हिम्मत मिलती है जिसने गलत किया होता है. तो कोशिश करें कि उसको फैलाएं नहीं, जस्ट ट्राई टू जस्ट कि उसको कट डाउन करें और उसको बस ख़त्म करें उस बात को, उस चीज़ को इतना उसको बढ़ावा नहीं दें कि हाय अब उस हम भी पोस्ट करते हैं यू नो ये ना करें. अगर जेन्युइनली यू रियली फील एंड यू रियली वांट टू शेयर समथिंग देन ऑब्वियसली यू शुड डू, बट कोई ज़बरदस्ती नहीं आपके साथ कि आपने करना है, ठीक है ना. हाँ, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है, ये ना करें. इससे भी बहुत गलत चीज़ें फैलती हैं कि वो जब आप लगाएंगे मैं लगाऊंगी, 10 और लोग लगाएंगे हम देखेंगे, तो उससे भी बड़ा मसला होता है. थैंक यू सो मच मारुक. या सो दिस इज़ द थिंग जो मुझे बात करनी थी आज. मुझे किसी के बारे में बात नहीं करनी थी, मुझे किसी के किसी इंसिडेंट को लेकर बात नहीं करनी थी. देर इज बट आई जस्ट फील के लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में इंस्टाग्राम को ले रहे हैं. इंस्टाग्राम नेगेटिव नहीं हुआ है, हम लोग नेगेटिव हो गए,
हम उसमें हर पूरी चीज़ को ऐसे निकाल निकाल के हाईलाइट करना शुरू हो गए। हमें 100 कमेंट्स आते हैं, लेकिन हम एक बड़े हम एक बुरे कमेंट को निकालते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं, उस पर रिप्लाई करते हैं और 10 जगह लगा देते हैं। वाई हमें जो 100 अच्छे कमेंट्स आए उनको हम क्यों नहीं हाईलाइट करते कभी कि यार देखो मुझे ये 10 अच्छे कमेंट्स आए, मैं ये करूँगी, इट्स अ गुड आइडिया, आई विल डू दैट नाउ, कि जो अच्छे कमेंट्स होंगे उनको हाईलाइट करें, उनके नाम लोगों को बताएं और उनके कमेंट को लोगों को दिखाएं। हम जब बुरी चीज़ को हाईलाइट करेंगे तो वो जो बुरे जो लोग हमें बुरा बोल रहे हैं ना, वो बोलेंगे कि हम और इनको परेशान करते हैं, वो फिर हमारे बारे में और बुरा लिखेंगे और फिर वो बोलेंगे हम तो फेमस होते हैं, हमें तो ये लोग हमारे बारे में बात करते हैं, हम तो हाईलाइट में आ जाते हैं, वाओ। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें उन्हीं को काटना है। तो उनको काटने के लिए हम हमेशा अच्छे से बुराई को, कहते हैं ना अच्छाई से आप बुराई मारते हो, तो हम अच्छे कमेंट्स और चीज़ों को हाईलाइट करेंगे ताकि वो लोग सही हो जाएंगे, फिर वो लोग भी कल को अच्छे कमेंट्स करना शुरू हो जाएंगे और कोई बुराई नहीं करेगा। दैट्स इट। और जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है, सो ये भी आप लोग मान लें। मतलब हर कोई इंसान दुनिया में और हर कोई चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती दुनिया में, क्योंकि फिर बोरिंग हो जाएंगे सब लोग। सो देयर इज सम यू नो गुड क्या कहते हैं गुड वाइब्स एंड बैड वाइब्स, सो बी रेडी। ऐसे होता है तो इसके लिए आप लोग रेडी रहे। एंड मैं कोई रिक्वेस्ट नहीं ले सकती हूँ, यू नो आई हैव राइट नाउ 99 रिक्वेस्ट आई हैव, और मैं नहीं अभी कोई कॉल पिक करना चाहती हूँ। मैं बस सिर्फ जो आप लोगों के चीज़ें थी जो मुझे अपना एक पॉइंट रखना था, आई एम जस्ट हेयर टू यू नो क्लियर माई पॉइंट है। मतलब मैं मुझे कोई कोई मैं किसी के लिए कोई बोलने नहीं आई हूँ, जस्ट शेयर फॉर माई सेल्फ। अच्छा ओके। एंड इमरान अब्बास बहुत अच्छे लगते हैं। ओके इमरान अब्बास बहुत अच्छे हैं, सिर्फ आपको अच्छे नहीं लगते, हमें भी अच्छा लगता है। ही सच अ नाइस ह्यूमन बीइंग। और देयर इज वन मोर थिंग जो मैंने उसमें देखी थी अपने सवालों में, तो मैंने लिखी भी है आई थिंक। हाँ ओके। जब वही वाली बात जो मैंने आपको बोली, जब अच्छी चीज़ें फेमस होती हैं तो हम बोलते हैं वाह 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 बड़ी फेमस हो गई, और फिर जब बुरी चीज़ होती है तो लोग हम बोलते हैं कि ये क्यों बोली है, ये क्यों बोली है, तो वही वाली बात। दूसरा मुझसे लोगों ने पूछा कि आप सिद्धार्थ और शहनाज की फ़ैन हैं, तो हाँ मैं सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। I really like them and I love them together and मुझे बहुत पसंद हैं। मैंने उनको शो में देखा था और they are very like neutral personality जो शहनाज की है, जो मुझे बहुत पसंद है। So I really like शहनाज। और yeah, I mean और ये जो लोग बात करते हैं ये इंडियन पाकिस्तान, ऐसा नहीं होता, हम सब इंडियन इंसान हैं, ह्यूमन बींग हैं, अल्लाह मियाँ ने बनाया हमें। तो ये सोच बहुत अजीब है कि हम इंडियन मुसलमान, हाँ हम इंडियन, हम सब इंसान हैं, पर एज अ मुस्लिम हम लोगों को अल्लाह मियाँ ने ये चीज़ बताई है, दी है कि हम सबसे प्यार करें। तो मेरे लिए तो कोई क्रिश्चियन मुस्लिम हिंदू यू नो मैं सोचती भी नहीं हूँ इस बारे में। फॉर मी एवरीथिंग इज़ लाइक ह्यूमन बीइंग एंड इंसान, इट्स नॉट अबाउट कि वो कौन है, वो तो बाद में आता है ना। कभी कभार बहुत सारे लोग बुरे होते हैं और वो मुसलमान होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब बुरे हैं। तो ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, तो किसी को जज नहीं कर सकते हम ये बात कह के कि भाई वो गलत है या गलत कर रहा है। ओके एनीथिंग एल्स? आई थिंक मुझे सवाल और पढ़ने चाहिए। नो आई थिंक नॉट। हाँ एंड देयर वन मोर सवाल जो मैंने बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि आप शादी कब करेंगे? व्हाई एवरीबॉडी सो आफ्टर मी? कर लूँगी यार, जब करूँगी तो सबसे पहले आप लोगों को बताऊँगी, बिकॉज यू नो आप लोगों को तो सबसे पहले शेयर करते हैं हर चीज़। कोई नया कपड़ा पहनते हैं तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, कोई मूवी देखने जाते हैं हम लोग तो आप लोगों को वीडियो दिखा के शेयर करते हैं, हम लोग कुछ अच्छा खाना खाते हैं तो पिक्चर लगा के आप लोगों को शेयर करते हैं, कोई PR पैकेट जाता है तो हम उसकी पिक्चर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जाहिर सी बात है शादी भी होगी तो आपके साथ शेयर करूँगी मैं, फॉर श्योर, क्यों नहीं, ये कुछ छुपाने वाली चीज़ नहीं है। एंड इंशाल्लाह ज़रूर, क्यों नहीं, सो वेरी वेरी सून इंशाल्लाह, फिंगर क्रॉस। ओके सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे लग रहा था कि
मैं जल्दी से इस वीडियो को ख़त्म करके चली जाऊँगी, बट मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है आप लोगों के साथ बातें करने में. ऑनेस्टली नबिया अरीबा, हाय हाय उसी बिलाल अफजल, यू आर लुकिंग प्रीटी, थैंक यू सो मच. ऐसे भी समझ नहीं आया, ऊपर चला गया. ओके से माय नेम, सॉरी मुझे कॉल आ गई थी और जिसकी वजह से मेरा वीडियो पॉज हुआ, बट नाउ इट्स फाइन. ठीक है, जलन में बेस्ट एक्टिंग, थैंक यू सो मच जलन के लिए. और दूसरी बात ये है कि मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ अपने एक और वीडियो शेयर करने वाली हूँ ऑन इंस्टाग्राम IGTV पे. यू नो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है वीडियोज़ बनाने में, आप लोगों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स था, मुझे इतनी हिम्मत मिली. एवरीबॉडी इज़ लाइक अरीबा टू गुड. मैं तो बस फॉरन से ना स्टार्ट हो गई कि आप नेक्स्ट वीडियो कब बनानी है. सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड योर काइंड वर्ड, एंड आई एम सो सो लकी एंड ब्लेस्ड टू हैव यू गाइज अराउंड मी, एंड यू गाइज आर अमेजिंग, एंड आई लव यू ऑल. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बी पॉजिटिव एज मच एज यू कैन, एंड ट्राई नॉट टू पोस्ट एवरी थिंग, एंड यू नो उसके बारे में बात नहीं करें, इतना लगाए नहीं वरना अगले को शेयर मिलती है. और कोशिश करें कि थोड़ा लो प्रोफाइल रहने की. और जो मीडिया के लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे बारे में इस तरह बोला, तो जब हम अच्छा सुनने की हिम्मत रखते हैं तो हमें बुरा सुनने की भी हिम्मत रखनी चाहिए. ठीक है, दैट्स माई पॉइंट. एंड अपना ख्याल रखें, और आई सी यू गाइज इंशाल्लाह सून ऑन माई लाइव वीडियो. एंड थैंक यू फॉर एवरी वन हु जॉइंस मी ऑन माई लाइव वीडियो टूडे. एंड yeah, thank you so much for your love. Thank you guys. Khuda hafiz. And apna khayal rakhein. Aur ye depression kuch nahi hota hai. Acha sa khana khaein. Thodi si tabiyat kharab hai, meetha kha lein. Agar zyada depression ho to sab ko acha feel hoga. Ice cream kha lein. Spend your time with your amma and abba and family. And yeah, you feel better then. Thank you so much for your love, everyone. Khuda hafiz.